तो दोस्तों अगर आप बोर हो चुके हैं भाई वही पुराने घिसे पिटे टॉयज के साथ में, तो आज आपके लिए एक बहुत ही क्रिएटिव टॉयज लेके आया हूं भाई। इसका नाम है शूइंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, इससे जो आप असली में सिल सकते हो भाई, असली में मतलब इसमें कपड़ा वड़ा भी दिया है और सुई भी सब कुछ है। मैंने थोड़ा बाहर से मोटी मोटी नजर मारी थी, तो अगर आपके अंदर डिजाइनर बनने का एक सपना है तो आप शुरू कर सकते हो। मतलब आपको मजा बहुत आएगा इसके साथ खेलने में। जैसे डॉल्स वॉल्स के कपड़े उपड़े होते हैं ना, आप थोड़ा बहुत खुद ही मतलब सिल विल सकते हो, ऑल्टर वॉल्टर कर सकते हो और भी बहुत कुछ इसके साथ में कर सकते हो। बिना किसी देरी के आज देखेंगे भाई ये रियल वर्किंग स्विंग मशीन जो है वो कैसे काम करती है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, मैं बढ़ता इस वीडियो में आगे। So let's get started. तो दोस्तों ये है हमारा बॉक सिंग मशीन का एज यहाँ पे लिखी है भाई 3+। साउंड भी है, लाइट भी है। यहाँ पे भाई वो दिख रहा है जो स्टिचिंग वाला होता है, ये है मशीन। यहाँ पे कुछ नहीं, इस साइड आपको पिक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी भाई कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह है भाई, प्राइस कहीं भी मेंशन नहीं है। अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं क्योंकि भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई कैसे कैसे ये मशीन जो है ना वो काम करेगी। तो ये टेप कट, ये टेप कट और एक नीचे भी यहाँ पे होती है भाई। ओके कट हो चुका है। हो पूरा पूरा लुक देना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको। ओह माय गॉड, फर्स्ट लुक देखिए दोस्तों। वाव यार ये बहुत प्यारी है यार, मजा आ रहा है देख के। और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले भाई आपको दिखाता हूँ इंच टेप। भाई ये मतलब मेजरिंग टेप बोलते हैं टेलर की भाषा में भाई, इंच टेप। मज़ा आया ना। और इसे निकालूं क्या? ओके ये कुछ टेप से फंसी हुई है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है यार इसके साथ में? ओके दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रख देते हैं नीचे थोड़ा। अरे यार क्या लगा हुआ है? ओके इसको ऐसे रख देता हूँ। ये कुछ माउस जैसा है भाई, मुझे नहीं पता अभी इसका क्या फंक्शन होगा, पर यार कहीं पे मैनुअल वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल पास से आपको दोस्तों दिखाता हूँ एक लुक। यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग मशीन। और ये देखिए यहाँ पे दो प्रकार के धागे हैं। ये कुछ यहाँ से एडजस्ट होता है क्या भाई? यहाँ से होके जा रहा है धागा यहाँ पे और यहाँ से जा रहा है सीधे निडल। भाई निडल है बट ओवरऑल पूरी की पूरी भाई प्रोटेक्टेड है। मतलब आपका हाथ उंगली कुछ जा नहीं सकता है अंदर, जो मुझे पहले से खतरा था कि भाई बच्चे जो है उंगली डाल देंगे, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है दोस्तों क्योंकि सब जगह से सेफ्टी वाइज है। और ये क्या है? ये एक बटन भी दिया हुआ यार इन्होंने यहाँ पे, ये ऑन ऑफ का होगा शायद। अरे ये क्या है? ओ भाई इससे सुई चल रही है भाई ऊपर नीचे। तो भाई अभी कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेजिंग वगैरह है, पीछे बैटरी का स्लॉट है और क्या है इसमें? यहाँ पे कुछ स्पीकर वगैरह भी है क्या? ओहो ये क्या चीज़ है भाई? एक और है। अबे ये क्या हो गया? ये तो अंदर ही चला गया यार, बाहर आ जाओ। अरे अच्छा इससे हुआ था वो। तो ओवरऑल अब जल्दी से यार मैं कुछ तिकड़म लड़ाता हूँ कि भाई ये कैसे काम करती है और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मजे करते हैं भाई इसके साथ में, आज अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए करते हैं इसे सिलने की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और कपड़ा ले लिया क्योंकि वो जो कपड़ा है दोस्तों ये काफ़ी पतला भी था और वाइट भी था, तो अब जो है हम इसमें सिलाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा आगे की तरफ जा रहा है, सिलाई हो रही है, मशीन जो है यहाँ पे चल रही है और हमारे धागे के रील जो हैं वो भी हिल रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे सिलाई देखिए क्या ज़बरदस्त सिलाई हो रही है।
तो आपको थोड़ा डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों कितनी हमने सिलाई करी है। कैंची से काट दो भाई ये धागा जो है। तो थोड़ा सा मैं आपको सिल के दिखाया है, तो इस तरह से आप देखते हो स्टिचेस जो है यहाँ पे लगी हुई है और इसी तरह से आप सिल सकते हो। बाकी मुझे पता नहीं कि कितनी मजबूत है, बट डेमो के लिए तो आप सिल ही सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कपड़ा सिल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आगे की तरफ बढ़ रहा है और म्यूजिक भी यहाँ पे हमारा चल रहा है।